गणित के सूत्रों और नियमों में बीजीय व्यंजकों का प्रयोग करना उदाहरण आज हम देखेंगे गणित के सूत्रों और नियमों यानी फॉर्मूलाज एंड रूल्स ऑफ मैथ में बीजीय व्यंजकों यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रयोग से संबंधित उदाहरण अब तक हमने गणितीय सूत्रों और नियमों के बारे में जाना इस वीडियो में हम उदाहरणों की मदद से इन्हें और अच्छे से समझेंगे उदाहरण एक यदि एक आयत का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर वर्ग है और उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी आइए इसे मिलकर हल करते हैं आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई अगर बीजीय व्यंजक के माध्यम से लिखा जाए तो एक आयत का क्षेत्रफल होगा एल गुणा बी जिसमें एल लंबाई और बी चौड़ाई को दर्शाता है हमें दिया गया है कि इस आयत का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर वर्ग है और इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है अब हम इन मानों को आयत के क्षेत्रफल के सूत्र में रखते हैं जैसा कि हमने अभी देखा कि आयत का क्षेत्रफल होता है एल गुणा बी अर्थात बीस बराबर पांच गुणा बी होगा अब हमें मिलेगा बीस बराबर पांच बी अब हम दोनों पक्षों को पांच से भाग करेंगे बीस बटा पांच बराबर पांच बी बटा पांच जिससे हमें मिलेगा चार बराबर बी अतः इस आयत की चौड़ाई चार सेंटीमीटर होगी आइए अब संख्या प्रतिरूप से संबंधित एक उदाहरण देखें। दिए गए एम की आकृति के बढ़ते क्रम को ध्यान से देखिए और उसे संख्या प्रतिरूप में दर्शाइए यहाँ एम आकृति के दिए प्रतिरूप में पहली आकृति में चार तिलिया हैं। परंतु हर बढ़ती आकृति से तीन तीन तिलियां जोड़ी जा रही हैं जैसा कि हम देख सकते हैं कि पहले एम में बाकियों की तुलना में एक तीली ज्यादा है दिए गए एम की आकृति के बढ़ते क्रम का संख्या प्रतिरूप बनाने के लिए हम माचिस की तिलियों की संख्या को एक पद माने तो हम देख सकते हैं कि पहली आकृति में 4 दूसरी में 7 तीसरी में 10 और चौथी में तेरह तीलियों का प्रयोग हुआ है इन्हें हम निम्न प्रकार से भी दर्शा सकते हैं चार बराबर एक जमा तीन गुना एक सात बराबर एक जमा तीन गुना दो दस बराबर एक जमा तीन गुना तीन तेरह बराबर एक जमा तीन गुना चार ऐसी ही एन के स्थान के लिए व्यंजक होगा एक जमा तीन गुना एन बराबर एक जमा तीन तीन एन यहां एन एम की कुल आकृतियों की संख्या को दर्शाता है हम इस व्यंजक की सहायता से एम की एन आकृतियों को बनाने के लिए आवश्यक कुल तीलियों की संख्या का पता लगा सकते हैं एम आकृति के इस प्रतिरूप का संख्या प्रतिरूप होगा चार सात दस तेरह इसी प्रकार एक जमा तीन एन जहा पहला पद चार दूसरा पद सात तीसरा पद दस चौथा पद तेरह है और इसी प्रकार एनवा पद होगा एक जमा तीन एन कई बार हम एम की दो आकृतियां देखकर तीलियों की संख्या चार जमा तीन के बजाय चार जमा चार समझ लेते हैं और इसी तरह बढ़ते क्रम में गलती करते रहते हैं जिससे हमारा गलत संख्या प्रतिरूप बन जाता है आज हमने देखे गणित के सूत्रों और नियमों में बीजीय व्यंजकों के प्रयोग से संबंधित उदाहरण अगली वीडियो में हम इनसे संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं देखेंगे धन्यवाद